आग्र्याच्या ऐतिहासिक किल्ल्यावर शिवजयंती साजरी होणार आहे। शिवजयंतीसाठी पुरातत्व विभागाची परवानगीही दिली आहे। मुख्यमंत्री शिंदे आणि उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सोहळ्याला उपस्थित राहणार आहेत। याचा आढावा घेतला आमच्या प्रतिनिधींनी, पाहूयात। छत्रपती शिवाजी महाराज की शौर्य गाथा आगरा किले में गूंजेगी। 19 फरवरी की शाम को एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का आयोजन आगरा किले में होने जा रहा है, जिसमें उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र दोनों राज्यों के मुख्यमंत्री रहने वाले हैं। योगी आदित्यनाथ और एकनाथ शिंदे इस कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। छत पर शिवाजी महाराज की के जीवन दर्शन, उनके इतिहास के बारे में, उनके पौरुष और उनकी निडरता के बारे में इस कार्यक्रम के जरिए बहुत कुछ बताया जाएगा। और इस कार्यक्रम को लेकर ASI से परमिशन मांगी गई थी, उस परमिशन को भी पूरा कर लिया गया है। किले के बाहर एक बड़ी प्रतिमा भी शिवाजी महाराज की लगाई गई है। जो आगरा किला देख रहे हैं, इस किले में शिवाजी महाराज को लाया गया था और उचित सम्मान न मिलने पर जब उन्होंने विद्रोह किया तो उनको बंदी औरंगजेब के आदेश पर बना लिया गया था। और ऐसे में अपने चातुर्य और अपने दिमागी कौशल का प्रयोग करते हुए फलों की टोकरी में बैठकर वो यहाँ से निकल गए थे। मथुरा में उन्होंने अपने बेटे शंभाजी को छोड़ा और दूसरे रास्ते का प्रयोग करते हुए करीब 25 दिन बाद वो फिर से महाराष्ट्र के रायगढ़ पहुँचे थे। तो कहीं ना कहीं उन्होंने औरंगजेब की सल्तनत को स्वीकारा नहीं था, औरंगजेब को चुनौती दी थी और बाद में चल के हिंदवी स्वराज की स्थापना की थी। ये सारी चीज़ें जो ऐतिहासिक तथ्य हैं, जो सत्यता है, उसको लेकर कहीं ना कहीं एक बार फिर से उस पर रोशनी डालने के लिए एक बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम का ये पहला ऐसा सांस्कृतिक कार्यक्रम है जो आगरा किले में होने जा रहा है। आगरा से नितिन उपाध्याय, ABP माझा। ABP माझा, उघडा डोळे बघा नीट।